सलाम नमस्कार पलगु सरकार, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं युखानो के एक और ट्रैवल लॉग पे, जिसमें जनाब शेयर कराएंगे हमें ग्वादर का। यार ग्वादर बहुत जाना माना नाम है। इरफान जुनेजो ने भी एक वीडियो बनाई थी, एक ब्लॉग बनाया था ग्वादर से रिलेटेड, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बाइकिंग थी और वो समंदर किनारे वो जो बीच का वो घोड़ा दौड़ता हुआ जो भी था वो बहुत सॉलिड था, लेकिन उससे बहुत कुछ पता चला था ग्वादर के बारे में। लेकिन युखानो भी लेके आए हैं, तो युखानो कैसे दिखाते हैं ग्वादर के बारे में। वैसे मैं बना दूं कि ग्वादर के बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन यार ये न्यूज़ में बना रहता है अपने पोर्ट की वजह से, जो बन चुका है या बन रहा है या बनने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर पोर्ट जो है वो उसके वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है, जो सऊदी अरेबिया या फिर चाइना जो है वो बना रहा है। तो इंडियन मीडिया, ग्वादर, पाकिस्तान, आप समझदार हैं, आप समझ लेना। फिलहाल देखते हैं इस ट्रैवल ब्लॉग को, है आवेगा। फुल एचडी में देखने का, फुल स्क्रीन में मजा ही कुछ और है। ऊपर से ये सिनेमैटिक शॉट, युखानो फिल्म्स प्रेजेंट्स, मजा आने वाला है भाई। Kawada tour. Oh, I'm slipping away. So don't let me go. Nah, 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 nah. I'm all up in that love haze. Yaar, wo Dakki bhai aisa nahi lag raha tha. P.I.A. आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए हो और यहाँ पे खाना खाना चाह रहे हैं, तो एक बार बताऊँ यहाँ कार्ड नहीं चलता, सो अगर कैश है आदमी तो फिर आप खरीद सकते हो, वरना तो वापस खाना हूँ करके वापस रख लेंगे और रख लेंगे। बट एनी वेज हम इस वक्त जा रहे हैं, कार्ड नहीं चलता, ये अजीब है यार। ग्लोबल ने स्पॉन्सर किया, ऐसा रूल किसने बनाया, सबको इकट्ठा किया हुआ है। सो इस ट्रिप पे एवा जुबैक, अरे हाँ इनका भी ट्रैवल ब्लॉग आता है, उनको मैंने मेल किया हुआ है, जल्दी परमिशन मिल जाएगी। मजा आने वाला है सभी लोगों के साथ देखने में ग्वादर। So the agenda is to go to Karachi and then fight Gwalior and explore. That's it. That's all I can tell you at the moment. Because that's all I know. The rest of it we improvise, like we have in the past vlogs. The whole trip we've been improvising. That's how we go. But those vlogs are gonna come out later, so this is gonna be the first vlog. So well, let's pretend we just met. Hey, what up, boy? यार मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक ना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और युखानो भाई की जो आवाज़ है उसमें हल्की सी जो है वो मतलब कम हो जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? That's what I do. That's what I do. All right, see you guys. Let's roll the montage. देखो कराची जब आप जा रहे हो ना, तो आपके साथ प्रोटोकॉल होना चाहिए, और ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, एटलीस्ट 2 मिलियन फॉलोअर होने चाहिए उनके, ठीक है? तो ये है हमारी दोस्त, इंस्टाग्राम पे 5,000 है और यूट्यूब पे 1,15,000। वाह यार, स्लो मोशन वेव, बाय बाय। बहुत साफ सुथरा एयरपोर्ट है यार, जा रहे हैं अब इस्लामाबाद का, फ्लाइट पकड़ने के लिए काफी लेट हो गए, कैपिटल है भाई, टाइम कम है और मुकाबला सख्त, और ये लड़कियां बड़ी स्लो चलती हैं, पता नहीं क्यों, कि नखरे कौन उठाए, शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई, कोई करना चाहेगा? Here we go, Karachi, Karachi, Karachi. Hey, my boys in Karachi, I love it, love it, my son, 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 my with a bunch of bloggers. We're getting bad news. What, the worst that's gonna happen is we're gonna get kicked out? Yeah. Midway, midair, midair. Boom. Okay. Oh, mother. ऐसे लोग होते हैं बिजनेस क्लास में बैठ कर हमसे काम करवाते हैं सारा। Yeah.
कराची पहुंच गए हैं, पूरा रास्ता सोता रहा हूं मैं, चेक इन नहीं करता अपने लगेज का, फिर वेट करना पड़ता है, बट इंसान ने लगेज चेक इन किया हुआ था। वो इस्लामाबाद था, ये कराची है। एंड गवादर पहुंचो भाई, जल्दी से जल्दी गवादर पहुंचो। So good, I just got a tired left eye. Alright, I know how you slept, my man. Wait, were you watching me? Yeah. Yeah. That could be like a fetish thing. So, यार नहीं ये वो नहीं है यार जिन्हें मैंने मेल किया था, यहाँ से अलग लग रहे हैं। एवं हमारे डोनर्स लेके आए क्योंकि अभी अभी फ्रेश ट्रिप, नहीं ये है ये है ये है ये है, नाउ वी हेट ईच अदर एंड कंफ्यूज हो गया था, लाइक ऑल एनर्जेटिक और कह रही है हैव सम डोनट्स एंड ऑल, बट हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट? आई स्लेप्ट फॉर 1 आवर, दिस इज व्हाई आई नीड दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। आई थॉट इट वाज फॉर अस। व्हाट? नेवर माइंड, कट द बिट, कट इट। Yeah, that's how we hijack planes. Call the audience, say present, like kids. Lozzie? Who? Lozzie? Louise. Louise. Present. Take it. Very difficult name. Very difficult name. All right. Bachchan? Huh? Bachchan. Bachchan? Huh? I'm Bachchan. 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 Ajeeb na line. Brownie. यार कैसे कैसे नामों से पाला पड़ गया, वो भी यही सोच रही होगी। सीपीआईसी के फाइंडिंग मेंबर हैं और वो हमें बताएंगे कि हम गवादर में क्या करने जा रहे हैं। सब फाइंडिंग मेंबर जशान शाह, मुझे सीपीआईसी मिल गया था, वो जमीन में पड़ा था बेचारा भूखा, तो मैंने मुझे वो मिल गया, मैंने उसको पाल के बड़ा किया है, अब गवादर लेके जा रहे हैं, वो असल में उमर के बैग में पड़ा है। गवादर आ गए, बालू की हालत काफी खराब है, पर ट्रेन आ गया है और हम जा रहे हैं गवादर। लेट्स गो। कैमरास अलाउड नहीं है, सो वी वोंट बी व्लॉगिंग ऑन द प्लेन। सी यू गाइस। करतो रहे हो भाई, करतो रहे हो। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, अगर अलाउड नहीं था तो गवादर फाइनली पहुंच गए हैं भाई। किसिंग फिश वो मेरे पास भी है। खानू ये आपके पीछे जो है ये गवादर फ्री जोन है, ये 2 साल पहले तक सारे जैसे पीछे घर बने हुए, पूरा फ्री जोन ऐसे ही था, ये पूरे घर बने हुए थे, इनको रीशिफ्ट किया गया उधर आगे टुवर्ड्स द नॉर्थ, और अब आप देख रहे हैं यहाँ ये फ्री जोन बिल्कुल तैयार है, फ्री जोन की वो जो बिजनेस सेंटर की बिल्डिंग है वो बनी हुई है, सारे इधर कारखाने वगैरह बने हुए हैं, नए फैक्ट्रीज बन रहे हैं, नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ये जो फ्री जोन है ये बेसिक यहाँ टैक्स फ्री बेसिस पे बिजनेस ऑपरेट, चाइना का फ्लैग क्या कर रहा है भाई, इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, तो ये फेज वन जो है तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। फेज़ टू अब वो देखिए जो खाली एरिया है ना आगे इधर, ये फेज़ टू बन रहा है। तो काफ़ी लोगों की ये कहते हैं गवादर में टाइम क्यों लग रहा है, गवादर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, मगर ये हकीकत ये है कि अगर जो आके आप गवादर अगर देखें तो प्रोग्रेस बहुत हो चुकी है, यहाँ काम हो रहे हैं, यहाँ बिजनेस चल रही हैं, यहाँ कारखाने बन रहे हैं, यहाँ का फ्री जोन एक्टिव है, आप अपने आगे बिजनेस खोल सकते हैं यहाँ और टैक्स फ्री बेसिस पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में मैं ये जाना चाह रहा था। सो फाइनली आ गए हैं रिशान साहब की जमीन देखने के लिए, सीपीसी ग्लोबल। अभी इनका प्रोग्रेस चेक करते हैं क्या काम चल रहा है इनका। So
ٹریول کرنے کے لیے جو ہے نا یو شوڈ آلویز ویئر کیٹرپلرز اسپیشلی جب آپ کوئی سائٹ وزٹ کر رہے ہو. But Chantal is wearing a Louis Vuitton. So side kyun visit kar raha ho? Tourist place dikhao na yaar. Ghumao. Chalo ye bhi acha hai waise. It's just this area here. Just that. So you can imagine the scale of this. That's the whole area. So if you look at the back, we go but abhi saath mein minister hai Naveed saab. Unse main zara pooch raha hu kyunki kafi zyada market mein baat phaili hui hai ki yaar yahan pe zameen کوئی اور کسی اور کی ہوتی ہے کسی اور کو بیچ دیتے ہیں کسی اور کو چپکا دیتے ہیں تو وہ ذرا پوچھنے کے لوگ کس طرح سے پھر مارکیٹ میں بہت زیادہ بات پھیلی ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے. ایون میری امی بھی کہہ رہی تھی کہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں نہیں نہ کریں کیونکہ یہاں پتہ نہیں تھا زمین کس کے پاس اور کس کو بکتی ہے. ذرا اس کا پوچھنے کیا پروسیجر ہے اینڈ ہاؤ دے آر کیپنگ اٹ کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ. سر انٹروڈکشن میرے بلاگ کے لیے آپ کا ذرا تعارف ہو جائے. مائی نیم از میر نوید. آئی ایم President Gwadar Chamber of Commerce and Industry. I am former Provincial Minister for Public Health Engineering, right. Vasa and Balochistan Coastal Development Authority. Gwadar Balochistan mein hai na. Landlord Association of District Gwadar. Awesome. اب جو میرا سوال تھا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ارلی ریگارڈنگ بات کر دی کہ یہاں پہ کافی زیادہ مارکیٹ میں بات پھیلی ہوئی کہ یار یہاں پہ زمین خریدتے ہو کسی اور نے کسی اور کو بیچ دیتی ہے تو اس کی کیسے آپ چیک کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پورے پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہیں مگر جہاں پہ گوادر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پروپیگنڈا زیادہ ہے اور حقائق سے برعکس. مثلا میں آپ سے کہوں جو لاہور اور کراچی میں ٹرینڈ ہے ہاؤسنگ اسکیمس کا وہ یہ ہے زمین ان کے پاس ہوتی ہے 200 acres وہ بیچتے ہیں 1000 acres پہلے زمین بیچتے ہیں پھر خریدتے ہیں. صحیح. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جس کے پاس گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو این او سی ہے جی ڈی اے کا جتنی زمین اس کے پاس ہے اتنی ہی وہ بیچ رہے ہیں. Right. اس سے زیادہ نہیں بیچ رہے. Right. اور ایسا یہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس این او سی نہ ہو اور وہ زمین بیچ رہا ہو یا جس کے پاس این او سی ہو اور اس کے پاس زمین نہ ہو. صحیح صحیح. سو یو ہرڈ فرام ہم لیکن آپ اپنی بھی ریسرچ کیے گا اس یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کو جو ہے نا لگ جائے چونا. تو Do your research thoroughly. میں نے تو ان سے اتھارٹیز ان سیلف انہوں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. سو یہ بٹ تھا بلاگ کا ذیشان کے سی پی آئی سی کے بارے میں اور اب ہم یہاں سے جائیں گے پارٹی کرنے کے لیے پورٹ پہ. سو ٹاٹا کر دے ذیشان. میں نے اور ڈالا بلاگ میں اور ڈالا بلاگ میں ٹاٹا کر دے. اوکے یار بہت کوریج مل گئی. دس واز اے اسپانسرڈ بٹ. اوہو یہ وہی بیچ ہے نا جہاں پھر عرفان چنے جو نے اپنے بلاگ میں ڈالا تھا اس جگہ کو. یہ تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا بھائی اس وقت سے. We didn't get to collaborate on any other project so why not this one? We did kind of get to collaborate on this one. We did. A little bit. Yeah, a little bit. But a teeny bit. I am hoping for more. Yeah, we've been trying to pitch to every company possible. Something might be in the works. Right. Is the genius in the works? I have a good hunch about this, guys. I don't. The trip finally khatam ho raha hai. North se shuru kiya tha, south mein aake Gwadar khatam kar rahe hain. Kailash gaye, Chitral gaye hum, Islamabad, phir Karachi, phir Gwadar. Bilkul random logo ke sath shuru kiya vlog aur ab hum log plans bana rahe hain ki shayad hum baad mein London ya Dubai mein mile. That's the power of vlogging and that's why I started vlogging. Abhi ye jo baki vlogs hain Chitral wale wo baad mein aayenge, pehle Karachi wala aayega aur baad mein main ek movie edit kar raha hu isi vlog isi trip ke bare mein. Uske baad phir 3 vlogs aayenge Chitral ke bare mein, Kailash ke bare mein aur Swat, I think. So guys, it was amazing sharing this experience with you. I've been wanting to do Sindh and Gwadar but acha hai CPIC ke sath kar liya but abhi Sindh iske baad karunga. So if you guys aren't a subscriber, haven't subscribed, subscribe and join the Yukon army kyunki iske baad kafi zyada vlogs aane wale hain. So don't miss out. Take care. Allah Hafiz. Kuch seconds baki hain abhi bhi. I drone shot. یہ
ब्लॉग वो ब्लॉग नहीं था जो मैं सोच रहा था, वैसे लास्ट में कुछ सीन्स देखने को मिले, और ये ब्लॉग वैसे बेस्ड था कि यार ग्वादर में कैसे तरक्की हो रही है, कौन कौन से कंपनी वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है और कैसे चल रहा है, कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। मिनिस्टर से बात की गई, बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, उसको अपने मुकाम पर पहुँचाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुरू में यार इस्लामाबाद का एयरपोर्ट देखने को मिला, फिर कराची का एयरपोर्ट देखने को मिला। एक फन फैक्ट ये मिला कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे यार कार्ड नहीं लेते, पता नहीं क्यों नहीं लेते, क्योंकि यार जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो तो क्रेडिट कार्ड से ही पे करेंगे, और भी सारे बहुत सारे फैक्ट जो थे वो देखने को मिले। लेकिन कम देखने को मिला वो था ग्वादर का व्यू। यूखानो के ब्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं। हाल ही में मैंने एक ब्लॉग पे रिएक्शन दिया था जिसमें वो ट्विन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, जो कि था रावलपिंडी और इस्लामाबाद। वो बहुत 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 अच्छा था वो ब्लॉग, और उससे इंस्पायर होकर मैंने ये ब्लॉग देखा, लेकिन इसमें वो मज़ा नहीं था। फिर भी क्योंकि इसलिए नहीं था मज़ा क्योंकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, मिला मुझे कुछ और, मुझे बताया जाता कि ये सब देखने को मिलेगा तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा रहता, लेकिन मुझे कुछ और समझ में आया था शुरू में। तो इसके बाद मैं एक और ब्लॉग पर रिएक्शन देने वाला हूँ यूखानो के, जिसमें है आई एम पख्तून, उसमें वो के पी के का टूर कराएंगे, तो अगर वो भी देखना है तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सर आज के लिए इतना ही, रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करना बोले एम करते कम से कम 600 लाइक्स की। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो ये इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर लें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।